Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS rank 1 Shuti Sharma. Hello, friends, this is Gautam coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about three parents' baby. एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई माइट्रोकोंडियल डोनेशन टेक्निक इज सिग्निफिकेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लेट एज इट इन न्यूज़ आखिर ये थ्री पेरेंट्स वेबी न्यूज में क्यों है पहले ज़रा इसको समझते हैं देखिए रिसेंटली ए बेबी बॉन्ड विद द बायोलॉजिकल पेरेंट्स डी एन एंड माइट्रोकॉन्डिया फ्रॉम ए डोनर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है यू के में जहाँ ए बेबी हैज़ बिन बोर्न यूजिंग थ्री पीपल डी एन ए एंड इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले ये यू एस एंड मैक्सिको में हो चुका है मीन्स यू के ऐसा पहला नेशन नहीं है जहाँ पर थ्री पेरेंट्स बेबी का बर्थ हुआ है इससे पहले यू एस ए में एंड मैक्सिको में ऐसा हो चुका है बट यू के इज़ द फर्स्ट नेशन हु लीगलाइज द थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक तो ये पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यू के पहला ऐसा नेशन था जिसने थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक को लिगलाइज किया था सो so, इस वीडियो में हम इसी थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे वाई माइट्रोकॉन्डियल डोनेशन टेक्निक इज सिग्निफिकेंट तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक को डिस्कस करते हैं आफ्टर दैट माइट्रोकॉन्डियल डोनेशन टेक्निक को भी डिस्कस करेंगे देखिए सो टू अंडरस्टैंड द थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक फर्स्ट ऑफ़ ऑल बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं सो इट विल बी जी टू अंडरस्टैंड थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक तो आगे बढ़ते हैं देखिए ऑल वी नो दैट हमारे जीन्स हमारे बॉडी में कहाँ से आते हैं हमारे पेरेंट्स से आते हैं मीन्स पेरेंट्स से हमें जीन्स मिलता है हमें एंड हम नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर कर देते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन आती है यहाँ पर जीन्स ट्रांसफ़र होता रहता है मींस ये जो जीन का ट्रांसफर चेन है वो चलता रहता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये जीन हमारी बॉडी में कहाँ फाउंड होते हैं एक्चुअली ये जीन होते हैं जीन आर लोकेटेड इन साइड द डी ये पॉइंट याद रखिएगा मीन्स ये जो जीन होते हैं कहाँ फाउंड होते हैं हमारे डी में फाउंड होते हैं एंड डी एन ह्यूमन बॉडी में कहाँ फाउंड होता है ये होता है न्यूक्लियस में ऑलरेडी हमने बायोलॉजी में पढ़ा है एंड नॉट इवन इन न्यूक्लियस इवन डी एन एल्सो लोकेटेड इन द माइट्रोकॉन्डिया ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है मींस डी एन ए हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं मिलता है ये हमें माइट्रोकॉन्डिया में भी मिलता है माइट्रोकॉन्डिया की अगर हम बात कर लें तो माइट्रोकॉन्डिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स एंड सेल्स को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ प्रोवाइडेड बाई द माइट्रोकॉन्डिया ये हमने ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ा है तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेयर इज द जीन इन साइड द ह्यूमन बॉडी देन वॉट विल योर आंसर आपका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा न्यूक्लियस एंड माइट्रोकॉन्डिया एंड ये जीन्स क्या होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन यहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहता है तो यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक हमने समझ लिया सारी बातों को तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है समझना है कि हमारी बॉडी में ये जो माइट्रोकॉन्डिया होता है ये हमें हमारी मदर से मिलता है ना कि हमारे फादर से मिलता है चाहे कोई भी बेबी का बर्थ हो मान लीजिए कि बॉय हो या फिर गर्ल हो दोनों कंडीशन में ये जो माइट्रोकॉन्डिया है हमें हमारी मदर से ही फाउंड होता है हमारी मदर से ही मिलता है ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में जस्ट इमेज अगर किसी मदर की माइट्रोकोन्डिया जो जीन्स डिफेक्टेड हो देन जो बेबी होगी या होगा वो डिफेक्टेड माइट्रोकॉन्डिया के साथ ही बर्थ लेगा देन ऑब्वियसली बेबी सेल्स को जो प्रॉपर एनर्जी चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी बिकॉज यहाँ से माइट्रोकोंडिया डिफेक्टेड है तो ऑब्वियसली समझिए कि पावर हाउस कहा जा रहा है एनर्जी का एनर्जी यहीं से मिलती है तो ऑब्वियसली एनर्जी यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो डिफेक्टेड माइट्रोकॉन्डिया है जो मदर में फाउंड होता है एंड बेबी में ट्रांसफर होता है जनरली इस सेंड्रोम को लेग सिंड्रोम बोलते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ा है सो इस डिफेक्टेड माइट्रोकॉन्डियल जीन्स को बेबी में ट्रांसफर होने से प्रिवेंट करने के लिए रोकने के लिए थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक का यूज किया जाता है ये पॉइंट हम ध्यान रखना है तो यहाँ तक क्लियर है हमने डीएनए समझ लिया जीन समझ लिया न्यूक्लियस समझ लिया माइक्रोकोन्डिया के जो बेसिक फंक्शन है वो सारी चीज़ें हमने समझ ली यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं अब जरा हम थ्री पेरेंट्स बेबी किसे कहेंगे उसको जरा ब्रीफ में समझते हैं आफ्टर डैट उस पूरे टेक्निक को डिस्कस करेंगे कि कैसे थ्री पेरेंट्स बेबी क्रिएट होते हैं देखिए सो so, अगर सिंपल वर्ड में कहें इन अ सिंपल वर्ड वेन ए बेबी इज़ बॉर्न फ्रॉम द डी एन एफ द थ्री पीपल देन वी जनरली कॉल इट ए थ्री पेरेंट्स बेबी तो बात आती है कि थ्री पेरेंट्स बेबी की ज़रूरत ही क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है आप पूछ सकते हो भाई इसकी ज़रूरत क्यों है हमें और जब नॉर्मल कंडीशन में बेबी का बर्थ हो जाता है एक पेरेंट्स के थ्रू तो थ्री पेरेंट्स बेबी की ज़रूरत क्यों है तो इसको जरा हम समझते हैं देखिए वी ऑलरेडी डिस्कस की डिफेक्टेड माइट्रोकॉन्डियल जिनस के साथ बेबी में ट्रांसफर होने से क्या होता है मान लीजिए कि जो मदर है इनके जो माइट्रोकॉन्डिया ऑलरेडी डिफेक्टेड है ऐसी कंडीशन में अगर कोई बेबी का बर्थ होगा तो क्या होगा ये डिफेक्टेड माइट्रोकॉन्डिया क्या होगा बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये जो डिफेक्टेड माइट्रोकोंडिया है इसके ट्रांसफर को प्रिवेंट करने के लिए हमें जरूरत होती है थ्री पेरेंट्स बेबी की यहाँ तक क्लियर है हम समझ चुके हैं अगर हम थ्री पेरेंट्स बेबी की बात करते हैं थ्री पेरेंट्स बेबी जो टेक्निक है इसे बहुत सारे नामों से आना जाता है लाइक like अगर हम बात करते हैं तो माइट्रोकॉन्डियल जिन थेरेपी टेक्निक कहा जाता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहा जाता है स्पिंडल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहा जाता है मीन्स इस तरह के एम सी क्यू में अगर तीनों में से कोई भी होता है तो ओब्बियसली आप उसे थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक बोलेंगे तो यहाँ तक क्लियर है अब बात आती है कि थ्री पेरेंट्स बेबी का बर्थ कैसे होता है ये तो हमने समझ लिया कि भाई थ्री पेरेंट्स होता है टेक्निक के थ्रू हो जाता है लेकिन कैसे होता है इसका प्रोसेस क्या होता है जरा उसको भी समझ लेते हैं देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि थ्री पेरेंट्स बेबी का बर्थ हमेशा क्या होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू होता है मीन्स सब कुछ क्या होता है लैब में किया जाता है मीन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है एंड इन विट्रो टेक्निक जो हम बात कर रहे हैं आई बी एफ़ टेक्निक जिसकी हम बात करते हैं उसे ज़रा हम ब्रीफ में अगर डिस्कस कर लें तो हम समझना हमारे लिए थोड़ा और भी आसान होगा देखिए अगर हम आई बी एफ टेक्निक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है उसके एक को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है लैब में रख लिया जाता है एंड ये जो फादर है फादर के स्पम को यहाँ पर काउंट कर लिया जाता है कलेक्ट कर लिया जाता है एंड इन दोनों को लैब में क्या करते हैं फ्यूज करते हैं एंड यहाँ से लैब में फ्यूज करने के बाद क्या होता है यहाँ पर जैगोट क्रिएट हो जाते हैं एंड ये जैगोट जब कुछ दिन लैब में रखा जाता है आफ्टर डैट उसे मदर के यूट्रस में पुट कर दिया जाता है फाइनली क्या होता है कि जो बेबी होते हैं उसका डेवलपमेंट मदर के बॉडी में ही होता है मीन्स यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो आई बी एफ टेक्निक भी होती है उसमें भी बेबी जो होता है उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में ही मीन्स मदर के बॉडी में ही होता है ना कि लैब में होता है एंड यही नॉर्मल टेक्निक होती है आई बी एफ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ें क्या होती हैं मदर का जो एग है या फादर का जो स्पर्म है उसे लैब में फ्यूज़ कराया जाता है आफ्टर डैट वहाँ पर जेगोट क्रिएट करके फाइनली उसे मदर के यूट्रस में यहाँ पर पुट कर दिया जाता है तो ये जनरल टेक्निक होती है इसी टेक्निक का यूज़ करके थ्री पेरेंट्स बेबी को भी जनरेट किया जाता है तो उसे भी सरा समझते हैं कैसे किया जाता है देखिए इसे हम माइट्रोकॉन्डियल जिन थेरेपी और जो माइट्रोकॉन्डियल डोनेशन टेक्निक है उसके थ्रू ही समझते हैं तो समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा देखिए थ्री पेरेंट्स बेबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर तीन लोगों की ज़रूरत होगी थ्री पेरेंट्स की जरूरत होगी फर्स्ट तो हो गया कि ऑन मदर होगी जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट बात सेकेंड होगा ऑन फादर में जो एक इम्पॉर्टेंट होंगे एंड थर्ड होगा ये जो अदर मदर होगी मीन्स यहाँ पर थ्री पर्सन की जरूरत होगी थर्ड पर्सन कौन होगा मदर ही होगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि माइट्रोकॉन्डियल डोनेशन टेक्निक में हमेशा ये जो थर्ड पर्सन होगा ये हमेशा ही मदर होगी बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो माइट्रोकॉन्डिया है वो हमें हमें मदर से ही फाउंड होता है हमें मदर से ही मिलता है चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो मीन्स माइट्रोकॉन्डियल जिन थेरेपी में थर्ड पर्सन हमेशा ही कोई मदर होगा ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है मीन्स यहाँ पर कोई पेरेंट्स मेल नहीं होगा ठीक है यहाँ पर हमेशा कौन होगी मदर होगी फीमेल होगी तो ये कैसे होते हैं उसको ज़रा समझते हैं देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये ओन फादर है ये ओन मदर है एंड ये डोनर मदर है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जैसा कॉल रही हम डिस्कस कर रहे थे कि मदर की जो डिफेक्टेड क्या है माइट्रोकॉन्डिया है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले लैब में मदर जो ओन मदर है उसकी जो माइट्रोकॉन्डिया है उसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे क्या कलेक्ट करेंगे मदर का जो न्यूक्लियस है उसे यहाँ पर कलेक्ट करेंगे आफ्टर डैट जो डोनर मदर होगी डोनर मदर की जरूरत क्या होगी यहाँ पर हमें उसके न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है न्यक्लियस ऑलरेडी हमें यहाँ से मिल चुका है मदर से क्योंकि न्यूक्लियस ये आप समझिए कि जो जेनेटिक मटेरियल होंगे जो ट्रांसफर होंगे ऑब्वियसली मदर के होने चाहिए ओन मदर के होने चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डोनर मदर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है कि उसके न्यूक्लियस को यहाँ से निकाल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या हमें यहाँ पर हमें जरूरत है उसके माइक्रोकवाणिया की मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया एक एम टी एग मिल गया एंड इस एम टी एग में जो ओन मदर है उसकी न्यूक्लियस को यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा तो कंडीशन ऐसी क्या हो गई कि यहाँ पर एक हेल्दी एग क्रिएट हो गया मीन्स जो डिफेक्टेड माइट्रोकॉन्डिया था ओन मदर का उसे हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया एंड जो डोनर मदर है उसके जो न्यूक्लियस है उसे भी हम बाहर निकाल देंगे नहीं तो क्या होगा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा डोर मदर का तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो डोनर मदर है उनके न्यूक्लियस को यहाँ से निकाल देना है और सिर्फ और सिर्फ जो एम एग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोनर मदर का माइट्रोकॉन्डिया होगा इसमें ओन मदर के न्यूक्लियस को पुट कर देंगे फाइनली यहाँ पर एक हेल्दी एक क्रिएट हो जाएगा आफ्टर डैट क्या होगा कि जो ओन फादर है इनके स्पम को यहाँ पर लैब में फ्यूज कराया जाएगा आफ्टर डैट यहाँ पर जायगोड क्रिएट होगा जयगोड क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे हम जायोड को लैब में कुछ दिन तक ग्रो करेंगे और फिर से जो ओन मदर है मीन्स जो ये मदर है इनके यूट्रस में यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे एंड ऐसी कंडीशन में क्या होगा ये जो बेबी का बर्थ होगा यहाँ पर ये कहलाएगा थ्री पेरेंट्स बेबी मीन्स क्योंकि यहाँ पर थ्री पेरेंट्स के डीएनए यूज हुआ है एक तो हुआ है ओन मदर का ओन फादर का एंड थर्ड कौन है ये जो डोनर मदर है यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ओन मदर है उसके जो हमने माइक्रोकॉन्डिया है पहले निकाल दिया है एंड जो डोनर मदर है उसकी जो न्यूक्लियस है उसे निकाल दिया है आफ्टर डेट यहाँ पर फ्यूजन करा के फादर के जो स्पर्म है उसके बाद हमने यहाँ जयोग क्रिएट किया उसके बाद ऑन मदर की यूट्रस में पुट कर दिया फाइनली यहाँ पर एक बेबी का बर्थ हो जाता है जिसे हम थ्री पेरेंट्स बेबी कहते हैं तो यहाँ तक तो क्लियर है हमने समझ लिया कैसे टेक्निक होती है ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं फिर भी ब्रीफ में हमने समझ लिया तो अब जरा हम समझते हैं कि वाई माइट्रोकॉन्डियल डोनेशन टेक्निक इज सिग्निफिकेंट ये जो टेक्निक है इतना सिग्निफिकेंट क्यों है पहले जरा इसको समझते हैं देखिए देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो डिफेक्टेड माइट्रोकोंडिया है उसके बेबी में ट्रांसफर होने से रोकना है नहीं तो क्या होगा कि जो ओन मदर है इसका जो डिफेक्टेड माइट्रोकोंडिया है मान ली ट्रांसफर हो जाएगा तो जो बेबी का बर्थ होगा ऑब्वियसली क्या होगा डिफेक्टेड माइट्रोकोन्डिया के साथ होगा ऐसी कंडीशन में लेग संड्रोम जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ऐसे में बेबी का जो सेल है उसे सफिसियंट एनर्जी नहीं मिलेगी एंड बेबी का ब्रेन डैमेज हो सकता है ऑर्गन फेलियोर जैसी कंडीशन होती है तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं खास करके जो डिफेक्टेड माइट्रोकोंडिया उसके ट्रांसफर को रोकने के लिए जनरली हम क्या करते हैं थ्री पेरेंट्स बेबी टेक्निक का यूज़ करते हैं एंड मेनली इसमें क्या होता है जो माइट्रोकोंडियल डोनेशन टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है ताकि बेबी में जो माइट्रोकोंडिया है डिफेक्टेड माइट्रोकोंडिया वो ट्रांसफर ना हो सके मीन्स इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए माइट्रोकोंडियल डोनेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है सो दैट्स वाई इट इज़ ए सिग्निफिकेंट टेक्निक तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग